हेलो डिजिटल क्रिएटर्स, आप सभी के पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। डिजिटल बोर्ड है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, आपके पास आपका नॉलेज है। अगर आपके पास में सिंपल व्हाइट बोर्ड है तो भी आप इस फैकल्टी की तरह आप इजीली पढ़ा सकते हैं। ये वीडियो को 2 मिनट आप देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है मेरे पीछे। बिल्कुल इस तरीके से आप अगर पढ़ाएंगे तो आपके स्टूडेंट्स को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए, अक्सर टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन लिखने में, तो आपको क्वेश्चन लिखने या डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप OBS के थ्रू बहुत इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, इस पर मैं एक ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप देख रहे होंगे वीडियो को। इस वीडियो में जो मैंने डिटेल में बनाया था वहां पर एक ड्रॉबैक था, क्योंकि मैंने इसको सिंगल स्क्रीन पे बताया था। आज मैं उसी सॉल्यूशन को आपको स्टेप बाय स्टेप डबल स्क्रीन में बताने वाला हूँ। डबल स्क्रीन से मेरा मतलब है एक स्क्रीन पे हम वर्ड फाइल लेके जाएंगे और दूसरी स्क्रीन पे हम लोग जो हमारी मेन स्क्रीन होगी वहां पर हम OBS के सेटअप को देखेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, इसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो आपके पास में अगर एक लैपटॉप है या फिर एक PC है तो आपको एक्स्ट्रा LCD की जरूरत पड़ेगी और HDMI केबल की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चीजें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बहुत इजीली डुअल स्क्रीन का सेटअप रेडी करके ऐसे पढ़ा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको हार्डवेयर का एक बार टूर करा देता हूँ। यहाँ पर 2 मॉनिटर लगे हैं, पहला मॉनिटर में मेरा OBS का सेटअप दिख रहा है और दूसरे मॉनिटर में मैंने जो वर्ड फाइल में जो फाइल बना रखी है जिसका बैकग्राउंड ग्रीन करके रखा हुआ है और क्वेश्चन ऐड करके रखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा हूँ। राइट, तो क्या हो रहा है कि अब बहुत इजीली मैं ऑपरेट कर पा रहा हूँ। देखिए, मेरे कर्सर को मैं इस साइड इस जगह पर लेके जाऊँगा और मुझे जस्ट यहाँ पर कंट्रोल और पेज डाउन प्रेस करना है, तो मेरे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन करूँगा तो मेरे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे थोड़ा जल्दी जूम करना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। सिर्फ एक माउस की कीपे, माउस की कीपे लाओ, ये माउस की पेज अप, कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे और मुझे यहाँ पे इजीली दिख भी रहा है कि कौन सा क्वेश्चन चेंज कर रहा है। अब देखिए क्या करना है, आपको करना क्या होगा बेसिकली, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इधर इस साइड आ जाइए, कोई बात नहीं, लाइट का कोई टेंशन नहीं है, अपन तो रॉ वीडियो बना रहे हैं। एक HDMI केबल की जरूरत पड़ेगी, है ना, HDMI केबल की जरूरत पड़ेगी आपको, और HDMI केबल आपको एक इसमें लगा देना है और दूसरा आपके आपको सिस्टम में लगा देना है। देखिए, मेरे इस सिस्टम में CPU अटैच्ड है। अब आपके पास जो सिस्टम होगा वो सिस्टम कुछ ऐसा होगा, राइट, तो यहाँ पर आप CPU के अंदर लगा दीजिएगा HDMI केबल। HDMI केबल कैसे होती है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों टाइप सेम, दोनों जगह पर सेम टाइप के पोर्ट होते हैं HDMI पोर्ट, मैं आपको लिंक भी इसकी दे दूंगा, है ना। तो ये हमारा बेसिकली ऐसा सेटअप होता है। यहाँ पर मेरे पीछे जो लगा हुआ है वो व्हाइट बोर्ड लगा होगा, इसको ऐसा अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे तो व्हाइट कपड़ा लगाया अभी, पर वहाँ पे आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे होंगे तो आप खुद से मार्कर से भी लिख पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि सिंगल स्क्रीन के सेटअप में तो आपका ये पूरा होता है, तो मैंने बताया था कि आप आधी स्क्रीन पे यहाँ पे लगा लीजिए और आधी स्क्रीन यहाँ पे लगा लीजिए, तो बड़ा कॉम्पैक्ट से होता है। तो अभी क्या करना है, जैसे हमने डबल स्क्रीन लगा ली है ना, तो देखो मेरे को क्या करना है, माउस से मुझे यहाँ पर ऊपर रिबिन पे, यहाँ पर रिबिन पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसको ऐसे उठाकर सीधे डाल देना है दूसरी वाली स्क्रीन पे। ये दूसरी वाली स्क्रीन पे आ गया, अब देखिए यहाँ पर ये मेरी दूसरी स्क्रीन पे आ गया है। फिर आपको क्या करना है, जब कर्सर को लेके जाना है तो कर्सर को दूसरी स्क्रीन पे लेके जाना है, तो आप कर्सर को इधर घुमाओ तो मेरा कर्सर जैसे दूसरी स्क्रीन पे आ गया, और फिर इधर लेके जाओ तो कर्सर इस स्क्रीन पे आ गया। तो ऐसे आप एक माउस से इजीली प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फायदा है डबल स्क्रीन का, आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए, डबल स्क्रीन लगाने के बाद में आपको कंप्यूटर में कुछ सेटिंग करना होती है, वो मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ। अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आप अपनी दोनों स्क्रीन को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी में क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन में चल रहा है वो एज इट इज सेकेंड स्क्रीन में आ जाएगा, या फिर आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन में चल रहा है उसका सब पार्ट आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। तो पहला केस जो है वो डुप्लीकेट स्क्रीन का है, तो दूसरा केस है एक्सटेंडेड स्क्रीन का, और हमें इस केस में जरूरत पड़ने वाली है एक्सटेंडेड स्क्रीन की। तो आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको डिस्प्ले सेटिंग में चले जाना है। ये सेटिंग मैं विंडोज 10 की बता रहा हूँ, अगर आपके पास में विंडोज 7 या उससे कोई लोअर विंडोज है तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है हाउ टू सेटअप डुप्लीकेट स्क्रीन एक्सटेंडेड स्क्रीन, मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एक्सटेंडेड स्क्रीन को जाके आप कर देंगे डुप्लीकेट स्क्रीन, तो आपका क्या हो जाएगा कि दोनों सेम हो जाएगा, दोनों स्क्रीन सेम वर्क करेगी, पर आपको वो करना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है एक्सटेंडेड स्क्रीन, और एक्सटेंडेड स्क्रीन से आपको क्या होगा कि जैसे ये फाइल है, ये मेरी वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल को उठा के मैं आराम से अपनी दूसरी स्क्रीन पर ले आ सकता हूँ, जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है ये स्पेशली बनाया है क्रोमा की के हिसाब से ग्रीन बैकग्राउंड करके, तो इसका पूरा डिटेलिंग मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ, ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, दोनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, एक तो ये वीडियो को पूरा देखना है और दूसरे वीडियो को पूरा देखना है,
OBS के अंदर हमने क्या करा है, हमने विंडो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करा है। विंडो कैप्चर डिवाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने विंडो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने फिल्टर अप्लाई किया है, क्रोमा की फिल्टर। फिल्टर कैसे अप्लाई किया, प्लस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्रोमा की यूज़ किया है। तो आपको भी इतना ही सेटिंग करनी है। माइक वीडियो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप ऑलरेडी प्रो है OBS को लेकर। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब इस वीडियो को अगर आप सही तरीके से एडिट करना चाहते हैं, किसी भी टाइप की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक सीरीज ऑफ कोर्स बना के रखी है हमारी एप्लीकेशन Edusquadz एप्लीकेशन पे। आप जाइएगा, वहाँ पर दो टाइप के आपको कोर्स मिलेंगे अभी। पहला है कि वीडियो एडिटिंग विथ लैपटॉप और वीडियो एडिटिंग विथ मोबाइल। तो आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उस कोर्स को बाय करके आप अपना एडिटिंग लेवल सीख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इससे आप प्रो लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे और अपने आप चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।